सर हाँ, गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, सब लोग ऐड हो जाइए। हाँ, कल का कहाँ तक डिस्कस हो गया था? कल हम लोग रेस्पिरेशन डिस्कस कर रहे थे। लेक्चर नंबर 7 था ना, आज लेक्चर नंबर 8 पढ़ना ना। यस यस सर, चलिए स्टार्ट किया जाए। डाउट नेट के नेटवर्क बड़ी इशू हो जा रहा है इससे। देखिए, कल बेटा हम डिस्कस कर लिया था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसमें हम डिस्कस किया था। कहाँ तक डिस्कस हो गया था? ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, ये तो हम पढ़ रहे थे। क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, कैसे वर्क करता है, ऐसा क्या स्ट्रक्चर होता है, यहाँ तक हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब डिस्कस किया जाए। देखिए, कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। देखिए, पेज पड़ा हुआ है, आपको दिखा दे रहे हैं। ये डिस्कस कर लिए थे हम लोग। एपिग्लॉटिस क्या होता है? लीफ लाइक पार्ट होता है ग्लॉटिस का, कार्टिलेज का बना होता है, फ्लैप की तरह होता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी लंग्स में जाने से रोकता है। कल लेक्चर नंबर 7 था, आज लेक्चर नंबर 8 है बच्चों। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 8, तो देखिए, ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस के बारे में हम डिस्कस कर लिए थे। एपिग्लॉटिस क्या करता है? लिप लाइक होता है, जो फूड को जाने से रोकता है ना। एपिग्लॉटिस क्या करता है? क्लोज कर देता है ग्लॉटिस को। एपिग्लॉटिस एक्चुअली में क्या करता है बेटा? क्लोज कर देता है किसको? ग्लॉटिस को। जैसे आपसे कहा जाए कि एपिग्लॉटिस का मेन फंक्शन क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? तो इसको मेन पॉइंट याद रखिएगा कि जो एपिग्लॉटिस होता है, स्पेलिंग क्या होती है? येलो डबल टी ना। एपिग्लॉटिस क्या करता है बच्चों? क्लोज कर देता है, याद रखिएगा, क्लोजेस कर देता है, बंद कर देता है। क्लोजेस द ग्लॉटिस, ग्लॉटिस टू चेक, चेक का मतलब होता है स्टॉप कर देना, है ना। टू चेक द एंट्री, एंट्री ऑफ फूड फूड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। देखो, ये एक थोड़ा सेंटेंस याद रखा करिए, एक्यूरेट जो लिखा जाना चाहिए ये है रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब मान लो फूड चला गया तो क्या होगा? ये भी एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो क्या हो जाएगा? कैन बी फाइटल, एक वर्ड और ऐड कर लीजिए। फाइटल का मतलब होता है जानलेवा, मतलब जान भी जा सकती है। फैटल मतलब होता है डेंजरस, जानलेवा, जिससे जान चली जाए, उसको फैटल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये फैटल भी हो सकता है। सही दिख रहा है कि कैमरा सेट नहीं हो पा रहा है? ठीक दिख रहा बच्चों ना? टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं दिख रहा? नो सर, सही है। सही है, चलो काम भर है ना। सही, चलो। कैमरा ब्लर कर रहा है क्या? चलिए ठीक। अब देखिए, इसके आगे थोड़ा सा हम लोग अगर डिस्कस करें तो कौन सा पार्ट आता है? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स के बारे में समझ लेते हैं। वॉइस बॉक्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स देखो बेटा, आपके लंग्स में होता है, सॉरी लंग्स कह रहे हैं, नेक में, रीजन में होता है, गले में होता है इसको। और हम लोग क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। वॉइस बॉक्स कहिए या लैरिंग्स भी कहा जाता है। ये क्या होता है? इन लार्ज पार्ट होता है, इन लार्ज पार्ट, पार्ट कौन सा पार्ट होता है? तो
ऐसे लिखो, गले में ऊपरी पार्ट होता है ना, इन लार्ज अपर पार्ट। थोड़ा सी सब सेंटेंस याद रखा करिए आपको, थोड़ा सा ऑड लगता होगा लेकिन जरूरी है। जानते हैं सही से नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर बायोलॉजी आगे बहुत टेंशन करती है। अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया मतलब विंड पाइप के ऊपरी भाग होता है। सब डायग्राम में समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? विंड पाइप के ऊपर ही तो पाया जाता है, तो अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया विंड पाइप के ऊपर पाया जाता है, ठीक है ना? देखो बेटा, जब पुबर्टी आती है ना, इन पुबर्टी एज, पुबर्टी एज समझते हैं ना, जब थोड़े सा बड़े हो जाते हैं, 12 साल एडोलसेंस हो जाता है, जब बड़े हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, इन प्यूबर्टी, मेल में बात हो रही, इन मेल, मेल में थोड़ा सा बड़ा हो जाता, फूल जाता है, इन मेल बिकम क्या होता है, स्वेल, स्वेल कर जाता है, बिकम स्वेल मतलब प्रोमिनेंट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, प्रोमिनेंट है ना, एंड बाहर निकल आता है। इसको बोलते हैं बायोलॉजी में प्रोट्रूड्स, इस पर जरा याद करिए, प्रो प्रो हो गया ना, ट्रूड्स TR होना चाहिए, प्रोट्रूड्स। देखो ये एक्यूरेट वर्ड लिखा जाता है, प्रोमिनेंट एंड प्रोट्रूड्स आउट मतलब बाहर निकल आता है, इसको बोलते हैं प्रोट्रूड। तो देखो जुबान हमारी पास थी, प्रोट्रूड्स आउट, आउट तो लिख दिया, प्रोट्रूड्स आउट बाहर निकल आता है, एक बच्चों। और इसी को हम लोग कहते हैं कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं बता सकते हैं आप लोग, क्या नाम दिया जाता है इसे, कॉल्ड एज एडम्स एप्पल कहा जाता है। और एडम्स एप्पल देखो किसी किसी में बड़ा होता है, किसी में बहुत बड़ा तो नहीं हो पाता है, तो आवाज क्या हो जाती बेटा, मोटी हो जाती, ठीक है ना, समझ में आ गया? अब जरा हमारी बात समझिएगा कि जैसे मान लो कि ये जो गले में ऐसे रहता है, ये देखिए गले में उठा रहता है, यही एडम्स एप्पल, जो उठा हुआ पार्ट है ना, इसे को बोलते हैं एडम्स एप्पल। और इसके अंदर क्या है, वॉइस बॉक्स। देखो ना इसमें ना इस तरीके से धागे की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये देखिए इसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड, क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड। और वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं बेटा वॉइस, प्रोड्यूसेस वॉइस ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ठीक है ना, जब सांस निकलती है इसी में से आवाज आती है, प्रोड्यूसेस वॉइस ड्यूरिंग। अच्छा जान देना, वॉइस वर्ड यूज करते हैं लिविंग के लिए। ऐसे मान लो हम ये कर रहे हैं ऐसे ऐसे, पेपर को मार रहे हैं पेन से, हिट कर रहे हैं, तो आवाज़ आ रही है, तो ये जो आवाज़ आ रही है ये कौन सी आवाज़ है, ये साउंड है। तो जब लिविंग बॉडी से कोई आवाज़ आती है लिविंग बॉडी के अंदर से, तो उसे वॉइस कहते हैं, नॉन लिविंग से वॉइस आती है तो उसे साउंड कहते हैं, ठीक बच्चों। तो लिविंग के लिए बना है वॉइस और नॉन लिविंग के लिए बना है साउंड वर्ड, इसको थोड़ा सा याद रखिए। अब देखिए वोकल कॉर्ड भी दो तरह के होते हैं, जरा ध्यान समझिएगा, वोकल कॉर्ड दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रू वोकल कॉर्ड, एक होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड। तो साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है ट्रू वोकल कॉर्ड, याद रखिएगा, ट्रू वोकल कॉर्ड प्रोड्यूसेस वॉइस। तो वॉइस का रिलेशनशिप किससे है, इससे है, ट्रू वोकल कॉर्ड से, फॉल्स वाला नहीं करता, ठीक है ना। अब फ्रॉग में बेटा वोकल कॉर्ड अब्सेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और कैसे इसमें वॉइस क्रिएट होती है, तो वोकल कॉर्ड में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, इसमें होता है वाइब्रेशन, और इस वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है, तो वॉइस प्रोड्यूस होती है। इन द वाइब्रेशन ऑफ ट्रू वोकल कॉर्ड प्रोड्यूसेस वॉइस, यानी वॉइस इज प्रोड्यूस बाई वाइब्रेशन इन ट्रू वोकल कॉर्ड। ये थोड़ा सा लाइन आप लोग को याद रखना पड़ेगा, कहीं नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बुक में नहीं दिखती हैं आप लोग को।
अच्छा, फ्रॉग में मेल जो फ्रॉग होते हैं उसमें मेल कर रहे हैं, फीमेल, मेल नहीं, जो बेटा फीमेल फ्रॉग होती है उसमें वोकल कॉर्ड अब्सेंट होता है, यानी बरसात में जो टर टर बोलते हैं वो कौन होते हैं, मेल होते हैं, और जो नहीं बोल पाते वो कौन है बेटा, वो फीमेल है, फीमेल बोल नहीं पाती, गूंगी होती, याद रखिएगा, ठीक है ना, कितनी बात समझ में आ गई, वेरी यस सर, गुड। अब आगे चलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं किसकी किसकी हेल्प से बोलते हैं, जरा इसको नोट में पॉइंट लिख लीजिएगा, जो स्पीच हम लोग जो बातचीत करते हैं वो किसकी किसकी हेल्प से करते हैं बता सकते हैं, किसकी किसकी हेल्प से वॉइस स्पीच बॉक्स, वॉइस टंग बॉक्स, टंग बातचीत जो करते सर, हैं स्पीच टंग कौन, और बताइए, देखिए एक हो गया बकल कैविटी, और बताइए लिप्स हो गया, यस और सर, बताइए टंग ये सर हो टंग गया, और कोई बचा, और जो सर, आपका ऊपर पैलेट, पैलेट ये समझ रहे ना, बोनी पैलेट, सॉफ्ट बोनी पैलेट, अगर सोचो ऊपर का तलुआ गायब कर दिया जाए तो बोल पाएंगे हम लोग, नाक और मुंह में मिक्स हो जाएगा, नहीं बोल पाएंगे, है ना, ये बात यस समझ आ रही है, वेरी गुड। अब चलिए मेन हम लोग अपने ऑर्गन पे आ गए, भाई ब्रोंकस समझ गए थे, अब जरा लंग्स की बात करते हैं, लंग्स में एक दो पॉइंट ज्यादा हम नहीं लिखवाएंगे, थोड़ा थोड़ा आप तो समझते रहिए, जरूरी है ये सब क्वेश्चन कर पाए एग्जाम में, छोटा तो जो लंग्स होता है, लंग्स पेयर में होता है, कैसा होता है, ये पेयर में होते हैं, और कैसे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्जी मतलब बैलून की तरह, चाहो तो दोनों को आप दबा दीजिए, दबाएंगे दब भी जाएंगे बैलून की तरह, इससे और क्या लिख सकते हैं, ये हाईली इलास्टिक होते हैं, ठीक है ना, हाईली इलास्टिक होते हैं, और कैसा होता है, सॉलिड होता है, और क्या लिख सकते हैं, बैग लाइक होता है, ठीक है ना, और क्या ये ऑर्गन है, तो इतनी बातें याद रखिए, है ना, कहाँ पाया जाता है बताइए, कहाँ पाया जाता है, पाउंड कहाँ पाया जाता है, चेस्ट कैविटी में, रिब्स के नीचे, चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी को बच्चों बायोलॉजी में थोरैकिक कैविटी बोलते हैं, थोरैकिक, CIC, थोरैकिक कैविटी में पाया जाता है, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई, अब मैं इसको यहाँ डायग्राम बना के आपको बताता हूँ अच्छे से, जरा समझिए आप, जैसे मान लीजिए ये हमारा लंग्स है, एज्यूम कर लीजिए ये मान लो लंग्स है, ये लंग्स, अब देखिए इस लंग्स में यहां से ये ब्रोंकस है, ये ब्रोंकस है, जरा एक चीज याद रखिए बेटा, देखो हमारा हार्ट यहां पाया जाता है, ये हार्ट का पोजीशन है, और यहां पाई जाती है किडनी, किडनी पाई जाती है, देखिए हार्ट की वजह से होता क्या कि इस पर प्रेशर पड़ता है, तो ये देखो थोड़ा सा ना पतला हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ये जो लंग्स है इधर वाला, ये लंग्स कौन सा है, लेफ्ट है, ये राइट है, जो लेफ्ट लंग्स के बेटा जो है ना ये शेप इसका लंबा हो जाता है, इलांगेटेड होता है, और ये क्या होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, ये थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा, ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा, चौड़ा रहता है, ऐसे समझिए, ये थोड़ा चौड़ा रहेगा, ये थोड़ा सा पतला रहता है, ठीक ना, ये
इसके कंपेयर में ये क्या है, ये पतला है, लंबा हो जाता है थोड़ा सा, लंबाई इसकी ज्यादा हो जाती है, ये देखिए थोड़ा सा लंबाई ज्यादा हो गई, इससे थोड़ा सा ये ज्यादा रहता है लेफ्ट वाला, क्यों, हार्ट की वजह से, हार्ट इसको प्रेस करता है, इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है। ये देखिए ये क्या आ रहा है बताइए तो, क्या जुड़ा हुआ इसमें, इसका नेम बताइए, ये क्या है, विंड पाइप, ये सर ट्रैकिया, विंड पाइप या ट्रैकिया बोलेंगे। ये देखिए जुड़ा हुआ इधर इधर, ये हो गया ब्रोंकस, ये भी क्या है, ब्रोंकस, हार्ट की पोजीशन यहां रहती है हम लोग की। अब देखिए यहां तक समझ गए, चलो अंदर में बता ही चुका कि ब्रोंकस डिवाइड हो जाता है इस तरीके से, कितनी बार डिवीजन होता है, 4 टाइम्स, इस तरीके से देखिए, इस तरह बना दीजिए रफली, इस तरीके से इसमें गोल गोल स्ट्रक्चर्स बना दीजिए। आप तो अच्छा बनाइएगा, मैं रफली बना रहा हूँ, आप तो अच्छे सुंदर बनाइएगा डायग्राम, नीट एंड क्लीन लेबल डायग्राम बिल्कुल आना चाहिए अच्छे से। ये राइट लंग से, ये लेफ्ट लंग से, ठीक है ना, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो लंग्स बेटा, इसके नीचे यहां पर एक बैंड होता है, देखो ये देखिए, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए मसल्स का बना हुआ, जैसे हम लोग बेल्ट पहनते हैं ना, जब पैंट पहनते हैं तो बेल्ट लगा लेते हैं, उसी तरीके से एक बेल्ट की तरह स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, इसको बेटा हम लोग डायफ्राम कहते हैं। यस सर, डायफ्राम, डायफ्राम बोलते हैं, इसका नाम हो गया डायफ्राम। जरा स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, अजीब स्पेलिंग होती है इसकी, PIAPH, फिर क्या होता है, PHRAGM, डायफ्राम, ठीक है। और यहाँ क्या होती है, सबको पता है, रिब्स होती हैं ऐसे ऐसे, जिसको पसली बोलते हैं हिंदी में। अब बीच में देखिए यहाँ पे जो रिब केज की जो ये रिब्स हैं, ये रिब्स पूरा मिलकर क्या होता है, रिब केज बनाती है, केज मैंने एक यहाँ पर पिजड़े की तरह बन जाता है, इसे रिब केज कहते हैं। और यहाँ बीच में बच्चों देखो, यहाँ पर ये एक बोन्स होती है, आप अपने चेस्ट पर टच करके देखिए, एक बोन होगा, ये बोन, ठीक है ना, ये। और टोटल देखिए ये कितनी होती है, 24 रिब्स होती हैं, और जो लास्ट वाली बोन्स होती है तैरती रहती है, देखो ये लास्ट वाली बोन्स जुड़ी नहीं रहती, इस तरीके से हवा में रहती है, इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो लास्ट वाली दोनों तरफ की बोन्स क्या हो गई, फ्लोटिंग रिब्स हो गई। और ये बीच में देखिए एक बोन होता है जिससे सब आके रिब्स जुड़ी रहती है। तो ये जो बीच में ये मोटी सी जो हड्डी है, इसको बच्चों कहा जाता है स्टेरनम, स्टेरनम कहते हैं, ये बोन है, ठीक है ना। इतनी बात जरा आप लोग नोट करनी करिए, इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं, बहुत आसान है। आप देखिए इसमें जो यहाँ मसल्स होती हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हड्डियों के बीच बीच में जो मसल्स हैं, रिब्स के बीच बीच में यहाँ मसल्स पाई जाएंगे, ऐसे हल्का हल्का मसल्स बना दीजिए। इन बेटा मसल्स को बोला जाता है इंटरकोस्टल मसल, क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल, ठीक है ना। आप लोग लिखिए,
नोट करिए। कौन सी मसल होती है? इंटर कोस्टल, एक साथ लिखिएगा, कोस्टल, INTERCOSTAL मसल। और ये बाहर बार तरह तरह होती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल, पूरा नाम होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई भैया सबको? यस सर। और ये सब क्या हो गए? एल्वियोलाई हो गए, गोल गोल बताए थे आपको, जिसमें हवा जाके भर जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो देखिए जरा से एक पॉइंट और इसमें नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग समझते हैं आगे की प्रोसेस। तो अगर दोनों लंग्स की बात किया जाए तो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग लगभग 750 मिलियन एल्वियोलाई पाई जाती है। ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट इन लंग, प्रेजेंट इन लंग्स मतलब दोनों लंग्स की बात की जा रही है। ठीक है ना, और इसका अगर सरफेस एरिया की बात करें तो विच है और टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अबाउट कितना होना चाहिए? देखो 80 मीटर क्यूब होता है, 80 मीटर क्यूब मतलब समझ रहे ना, कोई आप एक ऐसा बॉक्स ले लीजिए, क्यूब ले लीजिए, जिसका लेंथ 80 मीटर हो, ब्रेथ 80 मीटर हो और हाइट 80 मीटर हो, उतनी जगह ये बना देती हैं सब मिलके, कौन? एल्वियोलाई ना। और किससे ये कवर रहती है चारों तरफ, मैंने बताया, जिसके चारों तरफ क्या होता है, कैपिलरीज होती है चारों तरफ। देखिए ये लंग्स चारों तरफ क्या होती हैं, यहाँ कैपिलरीज, इधर देखिए चारों तरफ क्या क्या होती हैं, कैपिलरीज की पतली नसें होती चारों तरफ, यानी एल्वियोलाई के भी चारों तरफ रहेंगी, ऐसे तो जुड़ा है ना। तो एक पॉइंट जरा इसमें और ऐड कर लीजिएगा आप लोग, किससे ये घिरी हुई रहती हैं? एल्वियोलस आर कवर्ड विथ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, लिख लीजिएगा, एल्वियोलाई आर कवर्ड विथ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं? खून की बहुत पतली पतली नसें होती हैं, जो बाल की तरह होती हैं, थिन मतलब कि थिन ब्लड वेसल्स होती हैं। तभी आप देखते हो आपको लू लग जाए तो आंखें लाल दिखने लगती है, उसमें नसें दिखने लगती पतली पतली, वही कैपिलरी है ना बेटा। या आपके स्किन पर कहीं हाथ कट जाता है तो खून निकलने लगता है, तो एक्चुअली में जो ब्लीडिंग होती है वो कैपिलरी से कट होने से होती है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गया? अब देखिए हम लोग एक टॉपिक बेटा पढ़ना है कि सांस कैसे लेते हैं, किस तरीके से ये फंक्शन करता है। एक चीज थोड़ा सा और समझ लो बच्चों, देखो लंग्स के चारों तरफ यहाँ पे एक कैविटी पाई जाती है, देखो इस तरीके से एक कैविटी पाई जाती है चारों तरफ, देखो ऐसे, और लंग्स इसी के अंदर डूबा हुआ रहता है। ठीक है ना, मैं इधर बना के बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि ये लंग्स है, ऐसे समझिए, मान लो लंग्स है तो लंग्स से चारों तरफ देखो एक ऐसे मेम्ब्रेन पाया जाएगा, इसको आप लंग समझिए, लंग के चारों तरफ क्या होगा, एक मेम्ब्रेन होता ही है इस तरीके से। ठीक है ना, इंक्लोज रहता है, और कैसा मेम्ब्रेन होता है बेटा, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, देखो एक मेम्ब्रेन और होगा, ये देखिए, ये देखिए, तो लंग से चारों तरफ दो मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको प्लीउरा कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? प्लीउरा। तो प्लीउरा क्या है? ये डबल मेम डबल डबल मेम्ब्रेन है, और क्या बच्चों? प्रोटेक्टिव लेयर है।
प्रोटेक्टिव लेयर या मेम्ब्रेन भी आप लिख सकते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कहाँ पाया जाता है, लंग्स को चारों तरफ से कवर रखता है, दोनों लंग्स को। मैंने एक लंग्स बनाया, आप दोनों समझिए, दोनों लंग्स को चारों तरफ से ये कवर अप रखता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गया, बोलिए। यस आप सर। देखिए, सर हाँ सर ये जैसे कि एलवलाई जो है 80 मीटर क्यूब का सर मतलब सरफेस एरिया लेती है जगह, तो ये सर 80 मीटर क्यूब का सर जगह बन जाता है सर हमारे बॉडी के अंदर। जगह नहीं लेती है, ध्यान दीजिए, इसके अंदर इतनी स्पेस हो जाती है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है ये बताइए, आपकी आपका पेट कितना बड़ा है, 2 बित्ते का है, और बताइए इंटेस्टाइन कितनी बड़ी है, कितना खाना खा लेते हैं हम लोग, अभी जो आप पहलवान होते हैं देखते हो कितना इतना खा जाते हैं, ये बताओ उतनी जगह है बॉडी में, नहीं है ना। यस जैसे वायर है, जरा बताइए सुनिए, जैसे वायर है ना, वायर का बंडल आप बना दो, जैसे पतंग उड़ाते हैं लटाई में धागा कितना लंबा होता है बताइए, जो लटाई होती पतंग उड़ाने वाली, थ्रेड तो बहुत लेंथी होती है, होती कि नहीं, लेकिन यस सर बहुत लंबा। कितने बड़े में लपेट के रखते हैं, इतने छोटी सी लटाई में रख देते हैं, तो कहा जाए कि बताओ उस धागे की लंबाई कितनी है। तब उसी तरह से इसका अगर सबका हम लोग एरिया निकालेंगे ना अलग अलग, तो इतना एरिया होता है, हाँ पॉसिबल है, क्यों नहीं है। आप ये मत सोचिए हमारा लंग छोटा सा, कितनी जगह उसके अंदर जो भरा हर एक का एरिया देखा जाता है ना बेटा, बात समझ रहे ना, इतनी एरिया हो सकती है, जैसे लटाई में धागा आप लपेट के रखिए तो लेंथ तो हो ही सकती है उसी तरीके से, ठीक है ना। आप देखिए, यस अब देखो यार, दोनों ये जो मेम्ब्रेन इसके बीच में देखो ये स्पेस दिख रहा है, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस, और इसके अंदर बेटा एक लिक्विड भरा होता है, देखो यहाँ पर इसमें लिक्विड एक भरा होता है, फ्लूइड होता है, फ्लूइड भरा हुआ इसमें दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, ये देखिए, तो इसमें इस जो लिक्विड भरा हुआ है इस लिक्विड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूड, या प्लूर प्लूरा तो हो गया, प्लूरल फ्लूड, हाँ सही है, प्लूरल फ्लूड कहा जाता है, प्लूरल फ्लूड। अब देखिए इस फ्लूड का काम क्या है, भाई मान लो कहीं आप दौड़ रहे हैं गिर पड़े, तो इसी फ्लूड पर क्या होता है, जो भी झटका लगता है चोट लगती है वो इसी फ्लूड को फैल जाता है चारों तरफ, यानी लंग्स को बस्ट होने से ये बचाता है। सही, जरा यहाँ पे लिख लीजिएगा कि प्लूरल फ्लूड क्या करता है बच्चों, फ्लूड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट टू द लंग्स एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। मैकेनिकल शॉक का मतलब होता है झटकों से बचाता है, चोट से बचाता है, तो कहीं आप दौड़ रहे हैं गिर भी पड़ते हैं तो आपको लंग्स को कोई बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता है ड्यू टू प्लूरल फ्लूइड, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई सबको, बताइए रिप्लाई करिए। यस सर। और इसका काम क्या है, और इसको चारों तरफ लुब्रिकेशन भी बना के रखता है, जिससे लंग तो मान लो धड़क रहा है ऐसे ऐसे तो घिसता नहीं कहीं, है ना, नहीं तो लंग धड़कर घिस के आग पकड़ लेगा इसमें, है ना। तो एक काम और लिख सकते हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट से भी बचाता है, और दूसरा क्या लिख सकते हैं बेटा कि लुब्रिकेट करता है, और क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, लुब्रिकेट द मेम्ब्रेन, कौन सा मेम्ब्रेन, ये प्लूरा को, मेम्ब्रेन मतलब प्लूरा, प्लूरा को करता है ना टू अवॉइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से बचाता है, ये तो आग पकड़ लेगा लंग्स हमारा जल जाएगा, ठीक है ना, ये बात है।
आप चलो बेटा एक टॉपिक जरा समझिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रीदिंग कैसे होती है, सांस कैसे हम लोग लेते हैं, एक्सहेलेशन इनहेलेशन कैसे होता है, तो ध्यान समझिएगा। देखिए लंग्स में दो ऐसे पार्ट होते हैं जो आपके ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, लंग्स के फंक्शन में हेल्प करते हैं। देखो एक तो है डायाफ्राम ये, और सेकेंड बेटा है ये इंटरकोस्टल मसल। तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं ये आपके ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। ब्रीदिंग करने का मतलब है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इसको हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। तो देखिए ध्यान समझिएगा, जब आप लोग सांस लेते हैं तो सांस लेते समय क्या होता है, ध्यान समझना। जैसे आप सांस लेंगे तो ये जो डायफ्राम है ना, देखो डायफ्राम दो डायरेक्शन में चलता है, या तो नीचे चलेगा या तो ऊपर चलेगा, नीचे चलेगा या ऊपर चलेगा, डाउनवर्ड अपवर्ड, अपने पेट पे हाथ रखकर समझ लीजिए, नीचे चलेगा या ऊपर चलेगा, नीचे ऊपर, डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, ऐसे चलता है। और जो आपका ये देखिए ये जो मसल्स है या रिप्स जो है, रिप्स कैसे चलती है जरा ध्यान दीजिए, रिप्लाई करिए सब। तो जब सांस आप लोग जरा सांस लेके कोशिश करिए, अंदर खींचिए सांस और सांस छोड़िए, जरा ध्यान दीजिए आपकी जो रिब्स है वो किधर मूव करी सांस अंदर लेते समय, अंदर सांस लीजिए जरा, तो अंदर सांस खींचिए और जरा महसूस करिए कि ये जो रिब्स है सर फॉरवर्ड साइड ऊपर आ रही है, पीछे जा रही है सर, फॉरवर्ड आ रही है ना, फॉरवर्ड, यस फॉरवर्ड आ रही है ना, यस, यानी कि फॉरवर्ड मतलब आगे आ रही है कि नहीं। और बताइए आपका रिप्स भी किधर हो रहा है, आउटवर्ड, यानी ये भी बाहर आ रहा है कि नहीं। तो जो आपके रिप्स होती है वो ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, और ये कैसे चलता है इस तरह अप डाउन अप डाउन, ये कैसे होता है फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, यानी आप अपने मतलब चेस्ट पर हाथ रख के सोचिए कि सामने जा रहा फिर पीछे आ रहा, ऐसे ऐसे आ रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा जब हम लोग सांस लेते हैं, ध्यान सुनना, जब सांस बेटा लोगे तो बताइए ये डायफ्राम कहाँ भाग जाता है, नीचे। देखिए ध्यान समझिएगा, जब डायफ्राम नीचे भागाएगा, ये देखिए नीचे भागाया, ठीक है ना, तो रेड पेन से लिखता हूँ, डायफ्राम कहाँ चलाया, नीचे चलाया। जब बेटा ये नीचे आएगा तो ये बताओ ये दोनों क्या होंगे, पीछे भागेंगे आगे आएंगे सर, फॉरवर्ड सर, आगे आएंगे, किधर जाएगा, आगे आएगा, यस सर, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। देखो ध्यान देना, नीचे भागा, हम लोग इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, किधर जाएगा, सांस लेना है तो सोचिए, सांस खींचिए अंदर और सोचिए किधर भाग रहा, आगे ना, यस सर फॉरवर्ड, ये यानी कि रिप्स क्या होगा बताइए, रिप्स किधर भागा सर, आगे साइड, बताइए आगे साइड, यानी आउटवर्ड, आउटवर्ड। और अगला बताइए स्टर्नम किधर भागा, स्टर्नम ये भी तो आगे भाग आएगा, बताइए जुड़ा है सर, तो वो भी आगे जाएगा भाई, वो जुड़ा ही तो है साथ में, वो भी तो जड़ेगा साथ में। ये देखिए स्टेरनम आगे आने का मतलब ये बच्चों है कि आपका ये इंटरकोस्टल मसल क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल भी किधर आएगा, फॉरवर्ड है ना। अच्छा बताइए ये नीचे भाग गया, ये आगे चला है, तो बताइए लंग्स पे प्रेशर कम हो गया कि ज्यादा हो गया, बताइए भाई, बेल्ट इसको दबाता है, देखो ऊपर जाएगा तो दोनों को दबा देगा ऐसे, और नीचे भागा तो बताओ दोनों पे प्रेशर कम हो गया कि ज्यादा होगा, लंग्स सर कम, कम हो गया। तो देखो प्रेशर जो होता है लंग्स के अंदर वो रिड्यूस हो जाता है, और जब प्रेशर बेटा कम होगा तो लंग्स फूल जाएंगे कि नहीं बताओ, यस फूल जाएंगे ना,
फूल जाने पे क्या चीज ज्यादा हो जाएगा, उसके अंदर जगह ज्यादा हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सर ध्यान दीजिए। वॉल्यूम इंक्रीज जाएगा। यानी डायाफ्राम नीचे आया, रिब्स आउटवर्ड गया, स्टर्नम फॉरवर्ड गया, अब प्रेशर पी फॉर प्रेशर, प्रेशर क्या हो गया कम हो गया लंग्स के अंदर, तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या हो गया बढ़ गया, और जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा हवा अपने आप बाहर से अंदर चली जाएगी, यानी कि जो एयर होगी वो क्या हो जाएगी वो एंटर कर जाएगी। ये कौन सी प्रोसेस होगी बताइए, ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है ये किस में हो रहा है, इंस्पिरेशन हो गया, ये देखिए इंस्पिरेशन या बोलेंगे इनहेलेशन, ये प्रोसेस हो गई, ठीक है बेटा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका उल्टा, लंग्स में हवा भर गई, अब हमको बाहर फेंकना है, तो ये कहाँ मूव करेगा, डायफ्राम अब जाएगा ऊपर, देखो जैसे ऊपर जाएगा इन दोनों को दबाना शुरू कर देगा, प्रेशर करेगा, यानी कि डायफ्राम जब ऊपर जाएगा तो रिप्स किधर चली जाएगी बताइए, देखिए आप सांस छोड़ के मतलब देखिए पीछे साइड पीछे भागी है ना, तो अभी पहले किधर भाग रही थी आउटवर्ड, अब किधर हो गई इनवर्ड, यानी रिप्स जो होगी मूव्स करेगी इनवर्ड, यहाँ भी मूव्स लिख लीजिएगा छूट गया था, मूव्स आउटवर्ड मूव्स इनवर्ड, अब बताओ स्टर्नम किधर जाएगा सर, वो भी इनवर्ड जाएगा फॉरवर्ड बैकवर्ड, हाँ मतलब किस साइड, पहले फॉरवर्ड था बैकवर्ड हो जाएगा, यस सर बैकवर्ड पीछे साइड पीछे चला जाएगा, यही वर्ड लिखिएगा आप, तो इनवर्ड फॉरवर्ड मतलब ध्यान रखिएगा, प्रेशर क्या होगा बताइए आप, जब इसको दबाएगा ये ऊपर डायफ्राम जाके थे दोनों दब जाएंगे, जब दबेंगे तो हवा बाहर फेंकने लगेगा, यानी प्रेशर जो है बेटा सर इंक्रीज काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा सर, वॉल्यूम कम भाई, जब दबाएंगे तो जगह कम हवा बाहर चली जाएगी, यानी कि जो CO2 होगी या एयर होगी वो किधर चली जाएगी बताइए सर, बाहर हो क्या कर जाएगी दी जाएगी, बाहर चली जाएगी, यानी कि इनटू एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, यस सर एक्सहेलेशन होगा, बस हो गया एक्सहेलेशन, तो ये बेटा प्रोसेस हो गई एक्सहेलेशन, या ये इंस्पिरेशन था ये एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन या इसे बोलेंगे एक्सहेलेशन, ये देखिए, तो ये बेटा हो गया क्या, इसी को कहा जाता है, इसमें हेडिंग आप यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यहाँ हेडिंग लिखना भूल गए थे लिखना, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यहीं पे हेडिंग डाल लीजिएगा, यहाँ हेडिंग डाल देना मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, इसको आप लोग को याद रखना, ठीक है ना बेटा, तो हेडिंग लिख लेना भूल गए थे हम, लेकिन जब आप देते हैं इतने प्रकार प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, बोले किसी को कोई दिक्कत, नो सर फिर हो गई इतनी बातें, चलिए तो आज हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया कि क्या क्या प्रोसेस थे और कैसे होता है इसमें, ठीक है ना, तो मैंने ये नहीं लिया क्या, लेक्चर नंबर 8 था ना, लेक्चर नंबर 8, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, बेटा एनिमल के बारे में आपने पढ़ लिया, अब प्लांट के बारे में पढ़ना, चलिए हेडिंग लिखे रेस्पिरेशन इन प्लांट, बहुत आसान है, रेस्पिरेशन इन प्लांट, देखिए फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन बेटा डिफरेंस ये होता है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या लेता है, ध्यान समझिएगा, फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस और एक बेटा होता है रेस्पिरेशन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जब होता है तो इसमें CO2 इंटर करता है, मतलब कि लीफ के थ्रू एंटर करता है, इसमें बेटा क्या होता है O2 एंटर करता है,
इसमें ओटो क्या होता है? तो एग्जिट होता है, बाहर जाता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, जो सीओ टू है वो एग्जिट होता है, बाहर जाता है। अब ध्यान समझिएगा, ये डे टाइम होता है। तो डे टाइम क्या होता है बेटा, कि सनलाइट होती है, सनलाइट प्रेजेंट होती है। जब सनलाइट प्रेजेंट होती है ना, जो प्लांट के अंदर देखो रेस्पिरेशन, एक चीज समझिए कि ये डे टाइम हुआ और ये 24 आवर्स होता है, लेकिन रात में क्या होती है, सनलाइट अब्सेंट रहती है, नहीं होती है, सूर्य का प्रकाश नहीं होता, सनलाइट नहीं होता। तो जब ध्यान रख, दिन के समय होता है क्या, कि दिन के समय भी रेस्पिरेशन हो रहा है, रात के समय भी हो रहा है। तो दिन के समय जो बेटा CO2 फॉर्म होता है, देखो ये CO2 जो फॉर्म होता है ना, वो एग्जिट ना हो करके क्या कर दिया जाता है, डे टाइम में ये यूज हो जाता है। देखो कहाँ पर, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस। इसलिए डे टाइम में प्लांट CO2 का एग्जिट नहीं करते। एग्जिट कब करते हैं, नाइट में करते हैं। एग्जिट कब करते हैं, एग्जिट होता नाइट में। और दिन में जो CO2 बनता प्लांट के अंदर, वो अंदर अंदर ही यूज हो जाता, किसमें, फोटोसिंथेसिस। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए जो प्लांट होते हैं वो दिन में CO2 को रिलीज नहीं करते, क्योंकि CO2 तो उनके काम का है ना बेटा, उसको फोटोसिंथेसिस में यूज करना, वो तो रॉ मटेरियल है। तो एक बार फेंके बाहर और फिर खींचेंगे, फायदा क्या हुआ, तो वो अंदर अंदर ही यूज कर ले जाते हैं, किसको, CO2 को। लेकिन रात के समय क्या होता है, ये प्रोसेस बंद हो जाती है। अब CO2 यूज कौन करे, तो वो एग्जिट कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात में पौधों के नीचे, प्लांट के नीचे, या कोई बहुत गार्डन है, डेंस गार्डन, घना गार्डन है, तो वहाँ सोना नहीं चाहिए, नहीं इतना ज़्यादा CO2 रिलीज होगा कि आपकी डेथ भी हो सकती है। वही लोग कह देते हैं कि भूत मार डाला है ना, सांस फूल गई। एक्चुअली में होता क्या है कि वहाँ O2 का अमाउंट कम हो जाता है ना बेटा। अब चलिए इसमें आगे पढ़ा जाए। देखिए प्लांट बेटा कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते हैं, तो जब ये नोट करिएगा कि रेस्पायरेशन प्लांट में किससे से शुरू होता है, रेस्पायरेशन इन प्लांट। देखिए प्लांट्स का बेटा जो मतलब होता है बायोलॉजी में, ग्रीन प्लांट्स की बात की जाती है, ग्रीन एंड डेवलप प्लांट्स की बात की जाती है, जो नीम पीपल इन सब की बात होती है, ग्रीन प्लांट की बात, जो बड़े बड़े हैं डेवलप। रेस्पायरेशन किसके से थ्रू होता है, इनका कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, ध्यान समझिएगा। इसमें फर्स्ट होता है लीफ के थ्रू, सेकेंड बच्चों होता है स्टेम के थ्रू, और थर्ड जो होता है, थर्ड रूट के थ्रू। देखिए इनके तीनों पार्ट से रेस्पायरेशन होता है। लीफ में बच्चों क्या होता है, सबको पता है कि लीफ, ये मैं बना रहा हूँ, ये मान लो लीफ है। तो लीफ का जो लोअर सरफेस होता है, देखिए जो लोअर सरफेस, निचला पार्ट, जैसे मान लो पत्ती है, तो पत्ती के नीचे साइड, जो ऐसे पेड़ में ऐसे लगी पत्ती, तो नीचे साइड यहाँ पर, इधर लोअर सरफेस। लोअर सरफेस में छोटे छोटे होल्स होते हैं, सबको पता है, स्टोमेटा, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। तो किसके थ्रू होगा, यहां लिख लीजिएगा थ्रू स्टोमेटा। किस प्रोसेस होगा, प्रोसेस बताइए बताइए, कल मैंने बताया था ना, कोई भी हो प्रोसेस एक ही होती है, कौन सा प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन, ये होगा। स्टेम देखो बच्चों क्या होता है, स्टेम में रूट हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना, रूट हेयर का थ्रू जो छोटे प्लांट उसमें होता है। मान लो कि स्टेम कोई मोटा हो गया, ये देखिए जैसे वुडी स्टेम है, वुडी स्टेम, तो वुडी स्टेम जैसे मान लो नीम का पेड़ है, मान लो नीम का पेड़ है, या पीपल का पेड़ है, मैंगो का पेड़ है, तो इसमें यहाँ इनके जो बार्क होते हैं, ये बार्क होते हैं ना ऐसे ऐसे छाल जिसको बोलते हैं,
तो बार के बीच में यहाँ छोटे छोटे होल्स होते हैं, ये देखिए छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसलिए देखो इनके बार्क हमेशा फटे हुए रहते हैं। ध्यान दीजिएगा किसी प्लांट का बार्क स्मूथ नहीं होता, कोई पेड़ टच करते यस सर, लकड़ियाँ फटी रहती, तो फटी फटी क्यों होती, इसमें छेद होता है बेटा, इसमें होल होता है, इस छेद को कहा जाता है लेंटिसेल्स, है ना, इसको लेंटिसेल्स या लेंटिकल्स आप जो बोल पाओ, स्पेलिंग याद रखना, लेंटिसेल्स का कहिए ज्यादा अच्छा है, तो लेंटिसेल्स के थ्रू होता है। तो कैसे होगा बताइए, तो लेंटिसेल प्रोसेस कौन सी से होगी, सेम डिफ्यूजन प्रोसेस, ये हो गया। अब देखिए रूट में, रूट में भी देखो जो सॉफ्ट रूट है उसमें तो रूट हेयर के थ्रू होगा, वैसे रूट हेयर का मेन काम होता है वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, लेकिन कुछ प्लांट में इसके थ्रू भी होता है, बहुत कम प्लांट में, तो ये सब में नहीं होता, थोड़े बहुत में। और देखिए जो रूट वुडी बेटा हो जाते हैं, वुडी रूट, ध्यान समझिएगा, जैसे जो रूट पुरानी हो गई 100 साल पुरानी 50 साल पुरानी, तो उनके रूट भी देखिए, जैसे मान लो कि ये रूट है तो रूट बहुत डीप में चले जाते हैं, ऐसे करके मोटी मोटी रूट हो जाती है, तो ऐसे रूट को बेटा हम लोग टैप रूट कहते हैं। जो बड़े बड़े प्लांट है ना वुडी वाले प्लांट, जैसे नीम पीपल, जो लकड़ी वाले हैं, नीम हो गया, पीपल हो गया, मैंगो हो गया, इनकी रूट बहुत मोटी मोटी हो जाती है, ये बेटा बिल्कुल स्टेम की तरह हो जाते हैं। तो बुडी रूट को हम लोग क्या मान सकते हैं, जस्ट लाइक स्टेम की तरह, कौन से स्टेम, बुडी स्टेम, तो इनका प्रोसेस और इनका प्रोसेस सेम हो जाता है, यानी इस पर भी छोटे छोटे होल्स बन जाती है, ये देखिए बिल्कुल लकड़ी की तरह हो जाती है इनकी रूट, वो रूट नहीं होती, वो लकड़ी हो जाती है, खाली रूट कहा जाता है, तो इसमें भी सेम क्या प्रोसेस होगा, सेम यही हो जाएगा, क्या, थ्रू लेंटिसेल लेंटिकल रूट डिफ्यूजन प्रोसेस, देख लीजिए आपको कोई डाउट हो बताइए। तो जितने आपके ओल्डर रूट होंगे उसमें रूट है, हाँ सर, जैसे ये लीफ स्टेम और ये रूट सर अलग अलग रिस्पायरेशन करते हैं, मतलब ऐसे कैसे, प्लांट पूरे बॉडी से करता है ना बेटा। अच्छा आप अब एक छोटा प्लांट लगाइए गमले में ला करके पॉट में, अब खूब पानी भर दो, क्या होगा, वो प्लांट सूख जाता, ध्यान देते हैं, गांव में देखते हो खेती कैसे की जाती है, धान उन बो देते हैं, गेहूं तो देखो खुरपी लेकर के सर, पूरे घास को हटाया जाता है, गांव में है तो देखते हैं ना, खुरपी लेकर के जड़ों के पास मिट्टी को ढीला किया जाता है, लूज करते हैं, क्यों किया जाता है, कभी सोचा है, नहीं करेंगे तो सांस नहीं ले पाएगा प्लांट, जी हाँ, तो सांस यहाँ से भी लेते हैं ना, अब भाई जैसे मान लो धान का है, गेहूं का है, तो उसमें सॉफ्ट रूट होती है, सॉफ्ट रूट को बेटा एडवेंटिटियस रूट कहा जाता है, क्या बोलते हैं, रूट दो तरह के होते हैं, एक होता है एडवेंटिटियस रूट, या इसको बोलते हैं फाइबरस रूट, जो बहुत छोटी छोटी रूट होती है, ये मोनोकॉट में होते हैं, मोनोकॉट समझते हैं, जिसमें लकड़ी नहीं पाई जाती, नॉन वुडी प्लांट, जिसके सीड के दो पार्ट नहीं होते, कौन कौन सा, देखो गेहूं में दो पार्ट नहीं होता, चावल में दो पार्ट नहीं होता, मक्का में दो पार्ट नहीं होता, मेज राइस ग्रास हो गई, जितने प्लांट ऐसे बेटा दिखे, देखो जिनकी लीफ ऐसे से दिखती है, देख लो आप जितने गाँव में दिखते हैं प्लांट में जिसकी लीफ ऐसे से दिखे, वो सब आपके मोनोकॉट होते, ठीक है ना। और एक होता है टैप रूट, टैप रूट ये बहुत मोटी मोटी रूट होती है, ऐसे देखो मोटी सी होती है, जैसे गाजर देखिए, मूली देखिए, है ना, ऐसे मोटी मोटी होती है, इसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ये देखिए, और इनके रूट कैसे होती है, बहुत तुरंत पकड़ो हाथ से उखड़ जाएंगे, घास को पकड़ो उखड़ जाए, ग्रास इसमें आएगा, है ना, राइस मेज है ना, राइस मेज और क्या, राइस मतलब पैडी बोलते हैं, मेज हो गया, गेहूं हो गया, वीट, ये सब आप मोनोकॉट में आते हैं, इसके अलावा जो बड़े बड़े प्लांट है सब टैप रूट में आते हैं,
टैप रूट में कैसी पत्तियां होती है, झुंड में होती है, ऐसे देखो ऐसे ऐसे रहेंगे, जैसे नीम का देखिए, या पत्ती आप ध्यान से देखिए तो ऐसे रहता, देखिए इसमें इस तरीके से नेटवर्क बना होता है, जिसकी पत्ती में नेटवर्क दिखे, पीपल में देखो नेटवर्क होता है कि नहीं, इसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं बेटा, रेटिकुलेट वेनेशन। और जो मोनोकाट होती है ना, आप ग्रास की लीफ तोड़ के देखो, या मक्के के देखो, या केला के देखो, वो ऐसे रहती है, इस पर केवल लाइनिंग होती है ऐसे ऐसे, देखिए इसमें नेटवर्क नहीं होता है, इसको बोलते हैं पैरलर वेनेशन। या ऐसे भी देखो इनकी पत्तियां पैरलर होती हैं, देख लो ये पैरलर पैरलर लीफ दिखेंगे। और जो ग्रुप में दिख जाए मैंगो में देखो, सब एक साथ झुंड में रहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। दिख रहा था कि नहीं, टेढ़ा तो नहीं हो गया था सर? दिख रहा था, समझ गया आप लोग सर? तो रेटिकुलेट मतलब लीफ के अंदर नेटवर्क बनाओ, जाल की तरह बनाओ, और पैलर मतलब केवल लाइनिंग ऐसे से बनी, समझ गए आप लोग? तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा ना बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई सबको? बताइए। यस सर। अच्छा चलिए भाई, जरा कुछ स्पेशल बातें आप देखो, रेस्पिरेशन बेटा कंप्लीट हो गया, इतना ही आप लोगों को पढ़ना है। आज जरा कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं इससे रिलेटेड। और देखिए आप लोग का एक टेस्ट रखूंगा बीच में, वेटनेस देखो, ठीक है ना? वेटनेस देखो टेस्ट रहेगा रेस्पिरेशन का स्पेशली, तो आप इसको तैयार करिए। उसमें 26 क्वेश्चंस होंगे, पेपर मैंने बना भी दिया है, कल सोचे कि भेज भी दे लेकिन मैंने भेजा नहीं, हमने सोचा चलो टेस्ट ले लेंगे। तो आप लोग को वेटनेस डे को टेस्ट होगा 1 घंटे का, आप लोग तैयार करिए, ठीक है ना? समझ आ गया ना? देखो इसमें कुछ पॉइंट बेटा जरा नोट करिएगा। देखिए जितने एक्वेटिक प्लांट होते हैं, पानी में रहने वाले एक्वेटिक प्लांट, वो क्या करते हैं बच्चों, कैरी आउट गैसेस एक्सचेंज, ये आपको कंपटीशन के लिए लिखवा रहा हूँ, एनटीएससी के लिए गैसियस एक्सचेंज, ये एनटीएससी के लिए लिखवा रहा हूँ, लिख लीजिए आप लोग, फॉर एनटीएससी गैसियस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन ओवर देयर होल सरफेस। होल सरफेस मतलब पूरे शरीर से, रूट स्टेम लीफ सबसे, इसमें रूट से भी स्टेम से भी लीफ से भी हर जगह से बेटा ये गैसेस एक्सचेंज इनमें होता है, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, देखो डिफ्यूजन का डायरेक्शन आप लोग जानेंगे हमेशा, क्या पढ़ा आपने, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना? लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है प्लांट कैसा है या ऑर्गेनिज्म कैसा है। तो इसको थोड़ा नोट करो बेटा कि डायरेक्शन ऑफ जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल। सर ब्लड दिख रहा है सर, थोड़ा थोड़ा ब्लड दिख रहा है। यस सर। सर फिर ठीक हो जाता है सर? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। अच्छा इसमें जरा समझिए बेटा, देखिए हायर टू लोअर तो हमेशा फ्लो करता है, जैसे मान लो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ये मान लीजिए कि O2 और CO2 मान लो बात कर रहे हैं, हाई से लो की तरफ जा रहा है ऐसे ऐसे, ये तो अपने आप जाता है ना, इसको कोई भेजता नहीं है, ये अपने आप होता है,
इसको हम क्या बोलते हैं, जो अपने आप चलता रहे उसको बेटा लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमको लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन भेजना, सॉरी हाँ ठीक है, हायर कंसंट्रेशन भेजना हो, किसको भेजना हो, ओटो CO2 को या कोई मटेरियल, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ रेस्पिरेशन के बेस पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए ओटो CO2 लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो बताइए क्या इसमें से यहाँ जाएगा ये, क्या बताइए, कम से ज्यादा कोई चीज फ्लो करेगा बताइए। सर सर नहीं जाएगा सर, लोअर टू हायर कैसे? नहीं जाएगा तो जबरदस्ती भेजना पड़ेगा, देखो इसको फोर्स दे दे के भेजना पड़ेगा बेटा। इसको बच्चों कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। और देखिए ये पैसे जो होता है बेटा ना, इसमें एनर्जी का यूज नहीं होता, लेकिन इसमें जबरदस्ती भेजना पड़ रहा है, इसलिए इसमें क्या यूज होता है, ATP का यूज होता है, यानी कि एनर्जी का यूज होता है। इसमें क्या होता है, एनर्जी नॉट यूज, यानी कि ATP इज नॉट यूज। समझ में आ रहा है? जैसा भी मान लीजिए आपके छत पे टंकी कोई रखी हो, टैंक रखा हो, उसको भरना हो तो नीचे से हम लोग को मोटर चलाना पड़ता है। ध्यान दीजिए, जब आप मोटर चलाते हैं तब पानी खींच के वो ऊपर ले जाता है कि नहीं, होता है ना ऐसा? मोटर 1 घंटा चलाएंगे तब जाके टंकी भरती है। ये बताओ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है कि पैसिव है, बताइए आप लोग। सर एक्टिव एक्टिव है क्योंकि आप मोटर चला रहे हैं, बिजली खर्च कर रहे हैं, मोटर काम कर रहा है तब जाके पानी चढ़ रहा है ऊपर, टंकी भर रही है, तो वो कौन सा हो गया, ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जब टंकी भर जाती तो आप मोटर बंद कर देते हैं, आप नीचे केवल नल खोलिए तो पानी अपने आप आता रहता है कि नहीं, बताइए क्या कोई एनर्जी खर्च हो रही है उसमें, नहीं हो रही ना, तो वो कौन सा ट्रांसपोर्ट हो गया सर पैसिव बताइए, पैसे। पैसिव तो भाई हाइट से नीचे पानी आ रहा तो उसमें आप एनर्जी खर्च नहीं कर रहे हैं, यानी कि उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जो नीचे से पानी ऊपर फेंक रहे हैं, टैंक भर रहे हैं, उसमें मोटर चला रहे हैं, बिजली खर्च हो रही है, एनर्जी लग रही है, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये वाला ट्रांसपोर्ट, यानी इसमें ATP का यूज होता है। ATP क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो लिविंग बॉडी में एनर्जी स्टोर रहती है उसको ATP कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो ये बात जरा से याद रखिएगा। चलिए एक दो पॉइंट और लिखवा देते हैं। अच्छा ये तो मैंने वैसे बता भी दिया है कि ड्यूरिंग डे टाइम इन ग्रीन प्लांट क्या होता है, बताइए क्या रिलीज होता है, ओटो रिलीज, CO2 रिलीज, और ड्यूरिंग नाइट टाइम इन ग्रीन प्लांट क्या रिलीज होगा, सीओ टू रिलीज। क्यों रिलीज होता है, सर क्योंकि रात में नो फोटोसिंथेसिस नहीं फोटोसिंथेसिस होता। टेक्स प्लेस, जी हाँ, और दिन में क्या होता है, जो सीओ टू बनती है वो यूज कर लेता है, मैंने बता ही दिया आपको, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया, वैसे लिख लीजिए, वैसे पता है आप लोग को, ये हो गया। ठीक है ना बेटा, तो इतनी बात थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद बेटा हम लोग ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, कल हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की स्टडी करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन भेजे थे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं उसको, यस सर, एक तो सर कल सॉल्व किए सर, साथ में आपके पास भेज दिए थे।
हाँ हाँ वो तो मेरा बहुत तेज भेजे, हम रात में बैठे देखे तुरंत आ गया रिप्लाई, बहुत अच्छा बहुत फास्ट सॉल्व करे, तो समझ में आ रहा था सर, यस सर, सर उसका एक चीज सर आंसर भी उसमें मैं थोड़ा मैच करवा दूंगा आपको। उसका सर आंसर भी मैंने जैसे भेज दिया था, उसका यस सर उसमें बाद आंसर में भी सर दे नीचे देते था। मैच। हाँ इसलिए मैंने कहा था पहले सॉल्व करके तब मैच करें आप लोग। हाँ क्या सर नहीं वो समझ आया रिडॉक्स सर? रिएक्शन में जैसे सब्सटेंस रिड्यूस्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूसिंग एजेंट और सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सर इस टाइप में सर थोड़ा प्रॉब्लम होती है सर, समझ कौन में कौन सा आता है करें? भाई, देखिए जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है ना? जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट में बेटा उल्टा चलता है, समझे ना? जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उल्टा रहता है। जैसे मेटल देखो, जैसे मान लो कि आयरन है, तो आयरन से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लूज होता है। इलेक्ट्रॉन लूज होता है, आयरन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो रहा है। आयरन में से दो इलेक्ट्रॉन निकालो तो Fe+2 बना, आयरन क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। लेकिन आयरन खुद क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जितने मेटल होते हैं वो सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और अब नॉन मेटल ले लो, जैसे मान लो ले लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो जब गेन करेगा तो क्या होगा? रिडक्शन। यानी ऑक्सीजन कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जितने नॉन मेटल वो कैसे होंगे बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। चलो मैं फिर एक दिन बता दूंगा, पर वीडियो देख लेना, नहीं आएगा तो मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है? ठीक यस सर, है ना? यस सर, ओके चलो फिर सर, ओके बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, चलो सबको सावन की शुभकामनाएं, पहले सोमवार की, भगवान आपको कृपा बनी भी रहे, टॉपर बनी जाए। ओके बेटा, थैंक यू।